चालू है सामने खड़ी रही आनंद रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण भगवान जी की झांकी सजी हुई है। अपना ये भजन गीता पार्वती विदेह मांग रही पार्वती मंदिर प्राचीनतम मंदिर है और यहाँ पे श्री माता भगवती का यज्ञ हो रहा है और यहाँ झांकी सजी हुई है कृष्ण जी आपस में उनकी शक्ति होगी कृष्ण मुरारी और रुक्मिणी जी देखो ये कौन है और रुक्मिणी जी डाल दे जय जय श्री राधे जय भगवान फूलों की बरसात साथ में और शादी हो चुकी है कृष्ण भगवान की रुक्मिणी की शादी हुई है कल युग में भी देखो शादी यहाँ पे कृष्णी से रुक्मिणी जी और साथ में कैसे भगवान जी काफी बहुत सुनवाई ने धन्यवाद कन्या के पिताजी बने जो परीक्षित माता पुरुष एक जगह रामायण का पाठ हो रहा था कभी ध्यान से सुनो बहुत काम की चीज हो रहा एक जगह रामायण का पाठ हो रहा गलती से बकरिया को छीन हो गया रामायण पूरी हो पाई पांच से बकरी रहते एक बकरिया बच्चा रामायण पूरी हो गई अब तो वो बकरिया ऐसे भजन में तुरंत कहते राम हम तो बोले एक तो हो गए पांच मिनट केवल को क्यों मरूंगे भजन में और मरिया बनिए गिरधर लाल को जुड़ी
तो गाय साहब ने जो भी रुकमणी का विवाह देखा था वो पार्वती बांध पर भागवत कथा चल रही उसके जरिए हो रहा है। ये पार्वती डैम आप देख सकते हो, बिल्कुल भी बहुत शानदार दृश्य है पार्वती बांध का। हम धीरे धीरे कदमों से चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पार्वती बांध में 22 गेट हैं, इनको खोल दिया जाता तो बहुत बड़ा उफान आ सकता है आने वाले समय में। तो गाइस हम आज जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए पार्वती बांध को, धीरे धीरे दिखाएंगे। ये धौलपुर में स्थित है, राजस्थान धौलपुर में पार्वती डैम आंगई के पास। ये हमेशा चलता रहता है इसमें पानी। अभी इस साल 2022 में भी एक भी गेट नहीं खोले गए हैं पार्वती बांध के। इधर थोड़ा बारिश कम हुआ है इस वजह से। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लगता है हमारे धौलपुर की तरफ इस पार्वती बांध का होना। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते जाते रहते हैं सभी इस चढ़ से। हम आपको और थोड़ा और ले चलते हैं जहाँ पर जल बह रहा हो, इन गेटों से जो छोटे छोटे, देखो आपको गेट दिखा रहे हैं, देखो पानी के गेट हैं ये, खोल दिए गए, पानी से भरे हुए हैं, इनके जरिए पानी रुकता है मेन। तो इसको इतना इसमें ज़्यादा सामान लगा नहीं तब भी इसके बहुत अच्छा शानदार लगता है। तो ये देखो यहाँ से पानी निकलता है, हमें ये पानी हमेशा चलता रहता है इसमें, देख सकते हैं थोड़ा व्यू। हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं थोड़ा, इसीलिए व्यू थोड़ा कम आ रहा है। शायद ड्रोन कैमरा आ जाए तो बहुत अच्छा आता, जिसे हम उड़ा के दिखा सकते हैं आपको उधर का व्यू, उधर की साइड वाला आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं खता की तरफ जहाँ पर कुमड़ी का विवाह चल रहा है। देखिए गाइस यहाँ पर शिव जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। इसमें रात में किसी को नहीं रुकने देते हैं शिव जी। बहुत ही शानदार व्यू। हम चलते हैं हमारे भैया के पास, देखिए बीच आर जे ग्यारह से कल क्या है आपको पता है? श्रीमद्भागवत महापुराण कल